मार्वल के स्पाइडरमैन कैरेक्टर की जॉइंट कस्टडी यूज करके सोनी ने एमसीयू के पैरेलल एक स्पाइडरमैन यूनिवर्स क्रिएट कर दिया है। एनिमेटेड मूवी सीरीज स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स और दो वेनम मूवीज के थ्रू जो ऑडियंस बेस सोनी को मिल चुका है वही यूज करते हुए इस वीक रिलीज हो रही है मॉर्बियस मूवी। इस मूवी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो काफी कंफ्यूजिंग है, जैसे कि मॉर्बियस का एमसीयू कैरेक्टर से कनेक्शन होगा कि नहीं, मॉर्बियस के थ्रू सिनिस्टर सिक्स की टीम को क्रिएट किया जाएगा या नहीं, और क्या मॉर्बियस में स्पाइडरमैन का केमियो हो सकता है, और अगर होता है तो किसका। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा वो सारी डिटेल्स जो आपको पता होनी चाहिए मॉर्बियस मूवी देखने से पहले। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। मॉर्बियस मार्वल कॉमिक्स में स्पाइडरमैन के पॉपुलर विलन्स में से एक है। वेनम के बाद ये सोनी के लिए स्पाइडरमैन सीरीज का दूसरा एंटी हीरो है जिसे एक डेडिकेटेड मूवी मिल रही है। जेरेड लेटो के रूप में हमें देखने मिलेगा एक लिविंग वेम्पायर डॉक्टर माइकल मॉर्बियस, जो कि एक बायोकेमिस्ट था जो उसकी वेम्पायर बैट्स पे की जा रही रिसर्च से जाना जाता था। और एक्चुअल में उसकी इस रिसर्च का रीजन था एक ऐसी रेयर ब्लड कंडीशन जिसे क्योर करने की वो कोशिश कर रहा था। इसी कंडीशन से वो खुद भी सफर कर रहा था और वो क्योर ढूंढने में वो फाइनली सक्सेसफुल भी रहा जब उसने वेम्पायर बैट्स और इलेक्ट्रोशॉक ट्रीटमेंट यूज करके अपनी बीमारी को क्योर कर लिया, लेकिन खुद एक वेम्पायर बन गया जिसके बाद उसमें सुपर ह्यूमन एबिलिटीज आ गई। अब मॉर्बियस दूसरे सुपर कूल वेम्पायर्स की तरह शाइन तो नहीं करता, लेकिन उसकी अबिलिटीज और पावर्स कहीं और मूवीज में दिखे हुए वेम्पायर्स से बहुत मैच करती है। मॉर्बियस की सुपर पावर्स में सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, नाइट विजन और एकोलोकेशन आती है जो कि मूवी के ट्रेलर्स में देखने मिलती है। साथ ही ट्रेलर्स से उसके बैट्स को कंट्रोल करने की पावर भी दिखती है, और क्योंकि ये एक साइंस बेस्ड कैरेक्टर है तो इसको होली वाटर और अदरक लहसुन से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, लेकिन जो ह्यूमन ब्लड की रिक्वायरमेंट मॉर्बियस फील करता है वो सीधे उसकी हेल्थ पे भी रिफ्लेक्ट करती है। जितना टाइम वो ह्यूमन ब्लड से दूर रहेगा वो उतना ही वीक होता जाएगा। कॉमिक्स में भी इसी रीजन से मॉर्बियस इनिशियली एक विलन के रूप में पोर्ट्रे हुआ था, लेकिन विद टाइम उसने बेस्ट सॉल्यूशन ये निकाला कि वो सिर्फ क्रिमिनल्स का ही खून पी सकता है, जो उसे वेनम की तरह ही एक एंटी हीरो बनाता है। तो अगर मॉर्बियस विलन नहीं है तो मूवी में विलन कौन है? कॉमिक्स में मॉर्बियस का मुकाबला कई अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ हुआ है। मॉर्बियस का फर्स्ट अपीयरेंस अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 101 में हुआ था, जहां उसकी फाइट स्पाइडरमैन और लिजर्ड के साथ हुई थी। उसके बाद वो अलग अलग कैरेक्टर्स जैसे कि ह्यूमन टॉर्च और कई एक्समैन के साथ भी टकरा चुका है, लेकिन मूवी में मॉर्बियस का ही फ्रेंड लोशियस क्राउन, जिसे कॉमिक्स में हंगर नाम से भी जाना गया है, मेन विलन के रूप में दिखेगा। मार्वल कॉमिक्स में क्राउन मॉर्बियस की तरह पावर्स पाने के लिए खुद भी बैट्स पे एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन पावर्स मिलने के बाद वो अपनी ह्यूमन ब्लड की भूख मिटाने के लिए लोगों का मर्डर करने लगता है। अब मूवी के ट्रेलर से ये दिख के आ रहा है कि क्राउन मॉर्बियस का ही फ्रेंड है जो उसके एक्सपेरिमेंट ड्रग को यूज करके सच में वैसे ही पावर्स पालेगा, और वो किस हद तक जा सकता है वो मूवी देख के ही पता चलेगा। अब जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग चीजें हैं वो है एक ट्विस्ट के रूप में माइकल कीटन के वल्चर का केमियो। वल्चर को हमने लास्ट टाइम स्पाइडरमैन होमकमिंग में टॉम हॉलैंड वाले पीटर पार्कर से हारने के बाद जेल में देखा था, और क्योंकि वो एमसीयू यूनिवर्स से ही सोनी यूनिवर्स में केमियो कर रहा है, ये किसी ना किसी तरह से मॉर्बियस को एमसीयू के स्पाइडरमैन से जोड़ने जरूर वाला है। ट्रेलर के एक सीन में हम मॉर्बियस को स्पाइडरमैन के एक पोस्टर के पास से जाते हुए देखते हैं जिसपे मर्डरर लिखा हुआ है। इस पोस्टर वाला स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन सूट पहने नहीं बल्कि ओजी स्पाइडरमैन टोबी मैग्वायर वाला सूट पहने हुए लग रहा है। लेकिन एक और ट्रेलर में एक सीन में जोक के रूप में मॉर्बियस कहता है आई एम वेनम, जो ये क्लियर करता है कि मॉर्बियस उसी यूनिवर्स से है जिसमें वेनम एग्जिस्ट करता है, जो रीजन है उसे वेनम के बारे में पता होने का। लेकिन वेनम जिस यूनिवर्स में है उसमें स्पाइडरमैन एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो हम उसके लास्ट टू पार्ट्स में देख चुके हैं। और वेनम लेट देयर बी कार्नेज के पोस्ट क्रेडिट में दिखा स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड वाला था, जिस ड्यूरेशन में फर्स्ट टाइम स्पाइडरमैन का एग्जिस्टेंस एक्नॉलेज हुआ था, जो भी तब जब डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल ब्रेक होने की वजह से वेनम एमसीयू यूनिवर्स में आ गया था। इसके अलावा रिसेंट के ट्रेलर्स में एक बिल्डिंग पर ऑस्कॉर्प का साइन भी ऐड हो गया है, जो कि ग्रीन गॉब्लिन और उससे रिलेटेड और भी विलन्स के अब इस यूनिवर्स में होने की पॉसिबिलिटी को बढ़ाता है। साथ ही एक और छोटी सी डिटेल एक न्यूज़पेपर में दिखती है, जहां पर द डेली ब्यूगल के पेज के टॉप पे दो हेडिंग्स हैं जिनमें राइनो ऑन द लूज और ब्लैक कैट मेंशन्ड है।
अब ये दोनों ही कैरेक्टर्स मार्वल कॉमिक्स में स्पाइडरमैन सीरीज के पार्ट रहे हैं। राइनो तो एंड्रू गारफील्ड की द अमेजिंग स्पाइडरमैन पार्ट 2 के एंड में दिख भी चुका है, जो इस कंफ्यूजन को और भी ज्यादा इंक्रीज करता है कि आखिर मॉर्बियस किस यूनिवर्स में बिलोंग करेगा। मेरे हिसाब से जो मल्टीवर्स का डोर स्पाइडरमैन नो वे होम ने ओपन कर दिया है, उसी को यूज करके मॉर्बियस, वेनम, वल्चर और कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को इकट्ठा किए जाने का प्लान है, ऑफकोर्स सोनी का। मॉर्बियस मूवी बेसिकली इस कैरेक्टर को सेट करने वाली है, एक ऐसा कैरेक्टर जो नेगेटिव होते हुए भी वेनम और वल्चर की तरह लोगों की नजरों में बुरा नहीं है, जो उसे एक एडिशनल मूवी और फिर एक अवेंजर्स लेवल की मूवी में अपीयर होने का मौका दे सकता है, जो कि होगा सोनी यूनिवर्स के लिए शायद एक सिनिस्टर 6 की मूवी। लेकिन ये जितने भी कंफ्यूजन है इस वीक मूवी देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। मॉर्बियस रिलीज हो रही है 1 अप्रैल को थिएटर्स में और OTT पे 1 मंथ के बाद नेटफ्लिक्स पर। ऑन अ पर्सनल नोट, आई नो कि लास्ट 2 वीक्स से कंटेंट बहुत कम डाला है और जिन्होंने कम्युनिटी पोस्ट देखी होगी उनको पता है क्यों, बट थैंक यू फॉर योर कॉन्स्टेंट सपोर्ट। और बस इतना समझ लो कि कभी कभी आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे भी लेने पड़ते हैं। सबका टाइम आता है और अपना भी टाइम आएगा। इसी थॉट के साथ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।